हेलो एवरीवन, तो आज फिर से चले हैं नया वीडियो लेके। तो पहले का कुछ रिक्वेस्ट के लिए आज हम वीडियो फ़ोटो लेके नहीं बनाएंगे, आज हम टोटली प्रैक्टिकली दिखा के हम लोग आज वीडियो तो दिखाएंगे। तो सभी देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू। तो कैसे हैं आप सब? तो आज आ गए फिर से नया वीडियो लेके। आज का टॉपिक क्या है तो वो आप लोग देख के समझ गए होंगे जो रिटर्न है आपका उधर। आज का टॉपिक है अमोनिया, ठीक है। बहुत जन का क्वेरी था कि अमोनिया लेके क्या किया जाए, अमोनिया कैसे रिड्यूस किया जाए, वो बायोफ्लॉक हो या बॉटम क्लीन हो या कोई भी टाइप का फिश फार्मिंग का मेथड, ठीक है। तो अमोनिया एक मेन प्रॉब्लम है। तो ये जो मेरा टैंक है जो आप लोग देख रहे हैं, हम दूर से दिखाते हैं थोड़ा। ये जो मेरा टैंक है ये टोटल 20,000 लीटर्स का है, आप देख पा रहे होंगे। इसके ऊपर हम नेट लगा के रखे हैं, ओपन में है ताकि सनलाइट आ पाए। और जस्ट एक ठो, अगर आपको हम ओपन करके दिखाते हैं थोड़ा, जस्ट एक ठो, पहले तो नहीं था। जो लोग पहले का वीडियो देखे हैं हमारा, पहले तो नहीं था, अभी एक ठो जस्ट एयरसोन हम दिए हैं। उसका फ्लो भी ख़राब नहीं है, अच्छा ही है, जस्ट दिए हैं। तो इस टैंक में ना कोई स्मेल आता है ना कुछ आता है, एकदम प्रॉपर। हम जो प्रोबायोटिक यूज़ कर रहे हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ठीक है। वाटर क्वालिटी भी ठीक है, कोई स्मेल कुछ भी नहीं है। हम आपको इसका आज अमोनिया मेज़र करके बताएंगे पहले। और उधर देखिएगा, उधर एक तो टैंक है, जूम करके दिखाते हैं। इसमें भी ऑक्सीजन चल रहा है। ये तो मेरा छोटा सीड डाले हैं हम, मतलब मेरा कंफर्म नहीं था कब सीड आएगा, तक क्योंकि लॉकडाउन पड़ गया है। तो मेरा सीड आ गया था तो हम उसमें छोड़ दिए, मछली छोड़ दिए, तो उधर में है। तो उसके बाद हम मछली छोड़ने के बाद हम वाटर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वाटर प्रिपरेशन अप्रोक्सीमेटली फिनिश हो गया है, तो थोड़ा बहुत बाकी है। उसमें भी अमोनिया जीरो है, लेकिन हम ये तो नहीं दिखाएंगे क्योंकि मेरा कल्चर ये तो है पहला, उसमें अभी भी वाटर प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं हुआ। तो इधर मेरा बैक्टीरिया भी ठीक है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आपको आज अमोनिया मेजर करके दिखाते हैं, उसके बाद आपका अमोनिया को लेके उसका टॉपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो रुकिए, हम थोड़ा वाटर का सैंपल लेते हैं, हम अकेला इंसान है, तो थोड़ा कैमरा को बंद करके हम फिर से दिखाते हैं। तो हम पानी उठा लिया, देखिए सेम वाटर कलर, ठीक है, इसमें उठा लिए हम। टोटल 5 ml का लेना चाहिए, हम इसका हाफ लेते हैं ताकि ज़्यादा टेस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो हम ऑटो टेस्ट किट तो लाते हैं, रुकिए। मैं API का टेस्ट किट यूज़ करता हूँ, ये दिखा के मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ये इसका रिज़ल्ट अच्छा है तो हम यही यूज़ करते हैं। हम लोग फार्मर्स लोग हैं, हम लोग का जो अच्छा चीज़ है वही हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। दो तो रीजन है, देखिएगा, जिन लोग को नहीं पता है अमोनिया कैसे मेज़र करते हैं वो आप लोग इसमें देख के थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। ये तो मेरा टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें दो तो कार्ड है, वो तो हम बाद में दिखाते हैं। टेस्ट ट्यूब है तो मैं इसको भर लेता हूँ इसमें। तो फिर मैंने टेस्ट ट्यूब में भर लिया है, हाँ। तो अभी हम लोग जो रीजन है दो ठो वो ठो लेके आते हैं। ठीक है, मेरा ये है रीजन 1 अमोनिया का, ठीक है। तो ये तो मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, देख पा रहे हैं, ये तो बोतल नंबर 1 है, ठीक है। हम इसमें अपना ड्रॉप्स डालेंगे, देखिए कितना है लिखा हुआ है, 8 ड्रॉप्स करके, कितना पकड़ रहा है हमको तो नहीं पता, 8 ड्रॉप्स करके लिखा है। अगर 5 ml पानी लेते हैं, हम इधर 2.5 ml लिए हैं। तो देखिए टेस्ट ट्यूब में अब हम डालेंगे 1 drop, 2 drop, 3 drop, 4 drop, हो गया 8 करके था, हम 4 करके डाले, हाफ दिए, 1, 2, 3, 4। ये तो मेरा दूसरा रीजन का हो गया, इसको बंद करेंगे, ठीक है, एकदम शेक करना है अच्छा से प्रॉपरली। फिर हम लोग को एक 5 मिनट के बाद आपको दिखाना है, तो हम तो रख देते हैं, 5 मिनट के बाद हम आपको यही दिखाएंगे कि कैसा क्या अमोनिया है, ठीक है। तो तब तक हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, हाँ। तो फिर
अभी बात करेंगे हम लोग अमोनिया का बारे में, अमोनिया कैसे लेस करे क्या ना करे उसका बारे में, ठीक है। तो ये मेरा जो टैंक है इसका हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अभी मेरे को ऑक्सीजन का एकदम ही ज़रूरत नहीं था। पहले भी हम हाफ महीना सिर्फ ऑक्सीजन दिए थे, उसका बाद हम नहीं दिए थे, तो अभी तो नहीं लग रहा तो हम उठा दिए। लेकिन फिर भी मेरा इसका वाटर प्रिपरेशन हम इतना अच्छा से किए हैं कि इसका ना बदबू आता है ना कुछ, और पानी एकदम ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मछली का भी और पानी का भी। पानी एकदम स्टेन है, सिर्फ जैसे स्लज रिमूव करते थे थोड़ा बहुत स्लज तो ज़रूरत रिमूव करना पड़ेगा। तो जिस लोगों का देखिएगा अमोनिया हाई हो रहा है, ठीक है, पकड़ लीजिए अगर जो लोग है आपका अमोनिया 8 हो गया या 8 से भी डार्क हो जा रहा है, लेकिन आपका सिर्फ दिखाता है 8 ही दिखाता है अप टू 8, तो आप लोग क्या कीजिएगा। आप लोगों का अगर एक महीना जाने के बाद भी अगर आपका अमोनिया में प्रॉब्लम है तो आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस एकदम ठीक नहीं है, या फिर आपका जो फ्लॉक है फ्लॉक अच्छा से डेवलप नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि फ्लॉक को अच्छा से डेवलप करना पड़ेगा। अगर किसी का 3 ml भी अच्छा से फ्लॉक रहता है तो उसका उधर प्रॉब्लम नहीं आता कि हाँ ये बात है वो बात है, मेरा इतना फ्लॉक है दादा, 30 ml फ्लॉक है तो मेरा तो अमोनिया नहीं है, लेस क्यों नहीं हो रहा। तो उनका प्रॉपर फ्लॉक नहीं है, तो उनका जो है 30 ml है स्लज, तो उस स्लज का कारण उन लोग का प्रॉब्लम होता है कल्चर करने में। तो देखिएगा एक तो चीज़ कि आप लोगों को कैसे करना पड़ेगा अमोनिया लेस। शायद मेरा हो गया है, वो हम दिखाते हैं आपका देख पा रहे हैं, जो टेस्ट किट तो हम रखे थे ये जे अमोनिया तो मेरा एकदम कलर देखिए एकदम, आप अगर कलर मैच कीजिएगा पानी का प्रॉपरली एकदम 0.25, ठीक है, एकदम जीरो नहीं बोलेंगे 0.25 मतलब नॉर्मल है अमोनिया मेरा, तो इसको लेके कोई शक नहीं है। तो देख लिए आप सब, तो जिन लोगों का देखिएगा कि अमोनिया का प्रॉब्लम कैसा होता है कि अमोनिया एकदम ही नहीं रिड्यूस हो रहा, कुछ भी कीजिए अमोनिया नहीं रिड्यूस हो रहा, तो उन लोगों के लिए हम एक ट्रिप बोलेंगे, वो तो आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपका इस डिब्बा में है, हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वीडियो का ख़त्म होने तक तब तक आप लोग जुड़े रहिए। तो इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो आपका अमोनिया रिड्यूस हो जाएगा। तो फिर इधर देखिए आपका टैंक में अगर नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अच्छा से नहीं होता तो आपका तो अमोनिया बिल्कुल नहीं रिड्यूस होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रॉपरली फ्लॉक तो रेडी करना पड़ेगा, अगर फ्लॉक नहीं रेडी होगा तो आपका नहीं होगा। बैक्टीरिया हम लोग का जो रहता है टैंक में दो टाइप का होता है, एक तो हेटरोट्रॉपिक और एक तो ऑटोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में हम लोग बैसिलस ग्रुप का बैक्टीरिया फार्मिंग करेंगे और एक तो हम लोग नाइट्रिफाइंग ग्रुप का बैक्टीरिया फार्मिंग करेंगे, नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोबैक्टर ये सब टाइप का बैक्टीरिया हम लोग फार्म करेंगे। तो क्यों, हम लोग को पहले वाटर को फार्मिंग करना पड़ेगा, तो वाटर में बैक्टीरिया को फार्मिंग करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को फिश को फार्मिंग करना पड़ेगा जो बायोफ्लॉक का नियम है। अगर आप दूसरा टाइप का फार्मिंग करते हैं तो उसमें आपका सिर्फ फिश फार्मिंग या फिर मेंटेनेंस ऑफ वाटर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका बायोफ्लॉक में मेंटेनेंस ही सब कुछ है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं तो आपका काम नहीं देगा। तो ज़्यादा ये नहीं बोल के हम बोलते आपको कैसे रिड्यूस कीजिए। जिन लोगों का देखिएगा पानी में बदबू आता है उन लोग का हम बोलेंगे आपका शायद सीड स्टॉकिंग हाई हो गया है, जो आपका मात्रा है उससे ज़्यादा। कोशिश कीजिएगा फर्स्ट टाइम में अगर कोई फ़िश कीजिएगा, आप जो भी फ़िश कीजिए मैक्सिमम 2000 से 3000 पीस डालिएगा, उससे ज़्यादा मत डालिएगा। और तलापिया मछली सिर्फ 1000 डालिएगा 10,000 लीटर का मेजरमेंट के लिए। इस हिसाब से आप लोग हिसाब कर सकते हैं कि आप लोग कितना 1000 लीटर का टैंक में कितना फ़िश डालिएगा अगर आपका टैंक है। तो एरिएशन सेटअप आपका क्या होगा, मिनिमम आपका पकड़ लीजिए एक ठो 10,000 लीटर का टैंक के लिए LP 100 पंप ओके है, उसका 140 LPM आता है वो ओके है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सिंगी मागुर कीजिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, तलापे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेन चीज़ क्या आता है आपका, अगर एरिएशन भी ठीक रहता है तो फिर आपका फ्लॉक रेडी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरा बात आपका प्रोबायोटिक, अच्छा प्रोबायोटिक लेना पड़ेगा, और कोशिश कीजिएगा कि CAA का प्रमाणित प्रोबायोटिक लेने का, जो कि मतलब अच्छा ब्रांड का होता है, कुछ कॉस्ट हाई होता है लेकिन ये कभी भी ख़राब नहीं होता, ये बहुत अच्छा ब्रांड का प्रोबायोटिक होता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि शुगर यूज़ करने के लिए, जो हम प्रेफर करते हैं शुगर का कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है कि शुगर का अगर कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है तो ये कम लगती है और काम भी अच्छा करती है और पानी का क्लियरेंस भी ठीक रहता है। तो शुगर कैसे यूज़ कीजिएगा आप लोग, शुगर को आपको ला के देखिए 50 ग्राम 100 ग्राम जितना भी आप बाज़ार से लाए ओटो को आप ओवन में रेडिश कलर करके उसके बाद आप
अच्छा से आप पानी में मिला के उसके बाद आप टैंक में अप्लाई कर सकते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। तो शुगर भी अच्छा है, तो प्रोबायोटिक आपका जैसा आपको अच्छा लगता है ब्रांड का, जो लोग आपको सजेस्ट कर रहे हैं, आप जिसका अंडर में कल्चर कर रहे हो या फिर जिसको आपको पसंद है, आप उनसे बात करते हो ज़्यादा बायोफ्लॉक का रिलेटेड, आप उससे बात कर सकते हो, आप उसका रिकमेंडेड प्रोबायोटिक भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिएगा अच्छा प्रोबायोटिक लेने का, तो फिर अच्छा रहेगा, कल्चर फ्लॉक भी अच्छा डेवलप होगा। तो फिर क्या होता है आपका कि जब देखिएगा टैंक में मछली है लेकिन अमोनिया रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो आपका करना का क्या है, आप देखेंगे कि आपका स्टॉकिंग ओवर स्टॉकिंग हो सकता है, ऑक्सीजन सप्लाई खराब कम है, तो इसके लिए भी एक रीज़न हो गया। और फिर आपका दूसरा पैरामीटर्स ठीक नहीं होगा, आपका टाइम टू टाइम जो दूसरा पैरामीटर है वो अपडेट करना होगा, मेनली सैलिनिटी, ठीक है। जो फिश कीजिएगा सबका सैलिनिटी डिफरेंट है, धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। अगर कोई वियतनाम कोई कीजिएगा तो धीरे धीरे 500 से 1500 तक ले जाना पड़ता है, और कोई अगर तलापिया कीजिएगा उसका भी 500 से 2000 तक ले जाना पड़ता है। तो यही डिफरेंस है कि प्रॉपरली सैलिनिटी जो भी मेंटेन करना पड़ता है। और कोशिश कीजिएगा कि आपका वाटर में आयरन ना रहे, तो फिर फ्लॉक डेवलप होगा। अगर किसी का पानी में आयरन रहता है तो रिमूव करके काम कीजिएगा, नहीं तो आपका फ्लॉक डेवलप नहीं होगा। तो अभी बात करते हैं ये सब हम बोले रीज़न क्यों नहीं हो रहा या फिर क्या यूज़ कर सकते हैं। तो अभी बोलेंगे क्या करें, तो हम लोग अमोनिया ठोके रिड्यूस कर देंगे एकदम। अमोनिया को रिड्यूस करने के लिए हमको तभी तत्कनत हम लोग को वाटर ड्रेन करना पड़ेगा, मिनिमम 70% वाटर ड्रेन करके नया पानी दे के आपको FCO चार्ज करना पड़ेगा, जो हम बोलते हैं फर्मेंटेड कार्बन ऑर्गेनिक, ठीक है, FCO। तो FCO कैसा होगा आपका, आप शुगर लीजिएगा 250 ग्राम्स, अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स, उसमें आप प्रोबायोटिक दीजिएगा 50 ग्राम्स, उसको आप अच्छा से बाइंड करके 50 ग्राम की तरह नमक देके 10 लीटर पानी देके आप एक ठो ऑक्सीजन का स्टोन देके आप सिर्फ 2 घंटा एडिशन देके आप टैंक में दे दीजिए। उसके बाद डेली ये ठो बनाइए, 3 दिन लगातार बनाइए, उसके बाद दीजिए। और ये ठो देने का 2 घंटा बाद आप 50 ग्राम करके शुगर ऐड कीजिए, और आफ्टर 3 डेज आप डेली 20 ग्राम 10 ग्राम शुगर ऐड करते जाइए, ठीक है। ऐसा करके दीजिए कम कम करके शुगर, तो फिर आपका एक तो कम मात्रा में भी शुगर जाएगा तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, कार्बन सोर्स है कम ही देना चाहिए, तो आपका फ्लॉक का जो गठन है वो भी ठीक रहेगा। और कोशिश कीजिए कि आपका जो कॉलोनी, हाँ, बैक्टीरिया गठन का जो कॉलोनी होता है उसके लिए हम लोग टैंक में क्या करेंगे, हम लोग उसको कुछ घर बनाने के लिए कुछ देना पड़ता है, जैसे पंछी नेस्ट में रहता है वैसे उन लोग का भी एक नेस्ट टाइप का अंडर वाटर नेस्ट करना पड़ेगा। हम लोग स्पॉन्ज यूज़ करेंगे, अच्छा स्पॉन्ज, या फिर आप बायोबॉल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, बायोबॉल थोड़ा कॉस्टली होता है, आप लोग स्पॉन्ज को भी अच्छा से बोतल के साथ बांध के आप लोग दे सकते हैं। हम आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, मेरा एक तो 1 साल पुराना स्पॉन्ज है, मतलब वही हम यूज़ करते हैं, मेरा एक कल्चर का बाद भी हम वही यूज़ करते हैं, दिखाते हैं आपको, रुकिए, मेरा इसमें तो ज़रूरत नहीं है तो हम इसमें दे दिए हैं। रुकिए दिखाते हैं हम इसको कैसे बनाए हैं, तो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग में देखिए, ये तो स्पॉन्ज है, ये तो भारी है क्योंकि ये अच्छा पुराना है, और आपका इसका अंदर हम स्टोन भी दिए हैं थोड़ा, मतलब पत्थर, ताकि ये पानी में डूब पाए। इसमें दे दिए हम फिर से, ठीक है, पानी भी फिर से दे दिए, तो ये भी देना पड़ेगा। तो फिर आप देखिएगा आपका 21 डेज का अंदर आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस अगर ठीक रहा तो आपका अमोनिया एकदम रिड्यूस होगा, जो कोई आपको जो कोई भी बोल ले ये एकदम रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी किसी का अमोनिया बिल्कुल नहीं रिड्यूस हो रहा है तो फिर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अमोनिया जब आप वाटर रेडी किए उसका बाद आप लोग ऊपर में एक्वाटिक प्लांट, ठीक है, एक्वाटिक प्लांट मेनली दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे आपका एजोला बोलिए, डाकविट बोलिए, अच्छा से भर दीजिएगा एक साइड, एकदम एक साइड, ठीक है, एक साइड भर दीजिएगा, और साइड में एक तो फ्लोटिंग थिंग, मतलब बम्बू जो पानी में नहीं फंसता है वो चीज़ से आप दे दीजिएगा, ताकि एक साइड में फीडिंग दे पाए और एक साइड में वो सब रह पाए। आप कचूरी पाना दे सकते हैं जो बंगाली में बोलते हैं, टोपा पाना भी दे सकते हैं, तो एक्वाटिक फ्लोटिंग प्लांट्स वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका मेन खाद्य है अमोनिया या नाइट्रोजन, ठीक है, तो नाइट्रोजन वो सोख कर लेगा तो आपका उसमें नहीं रहेगा उतना। फिर भी अगर सब कुछ करने के बाद भी किसी का अमोनिया बिल्कुल नहीं रिड्यूस हो रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तभी आपका सिर्फ एक ही चीज़ होता है जो आपको जिससे भी पूछ रहे, जिस भी एक्सपर्ट से
पूछ लो आप एक्सपर्ट से जे क्या करे क्या ना करे, तो वो लोग आपको एक ही चीज़ बोलेगा कि ये जो है इसका अंदर हम दिखाते हैं, इसका अंदर है आपका अमोनिया का दवाई, दवाई पकड़ लीजिए, देखिए इसको बोलते हैं जुओलाइट, ठीक है जुओलाइट। ये तो होता है आपका, अगर आपका प्रति हज़ार लीटर में 8 PPM अमोनिया है तो आपको इधर 5 ग्राम करके देना पड़ेगा। ये एक ठो हिसाब हम लोग बनाए हैं तो एक काम करता है, मतलब काम तो जरूर करेगा मात्रा का हिसाब से, फिर भी आप लोग खुद थोड़ा थोड़ा यूज़ करके देखिएगा, ये तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ये डिपेंडिंग करता है ब्रांड का ऊपर, अगर कंपनी अच्छा नहीं रहेगा या फिर प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा, चीप प्रोडक्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा प्रोडक्ट रहेगा तो फिर ये तो काम बहुत अच्छा करता है और अमोनिया भी लेस हो जाता है। और इसका मेन काम ही है कि आपका जो वाटर है वाटर को एकदम क्लीन रखे, ठीक है, जो अमोनिया है उसको ज़ीरो रखे, आपका जो H2S गैस फॉर्म होता है तो उसको आपको क्या बोलता है ना करे, तो उससे आपका टैंक में बदबू नहीं होगा, टैंक एकदम अच्छा रहेगा, मछली भी हेल्दी, वाटर भी हेल्दी, बैक्टीरिया भी हेल्दी, सब कुछ हेल्दी रहता है। तो यही था, अगर आप एक तो लास्ट में हम एक तो चीज़ ही बोलेंगे कि अगर आप लोग अच्छा से वाटर तो प्रिपेयर करते हैं किसी का अच्छा गाइडेंस में, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आने का कोई चांस नहीं है। फिर भी हम बोल रहे हैं जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है, आप अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आशा करते हैं आप लोगों को हम अच्छा से हेल्प कर पाएंगे ताकि आप लोग बायोफ्लो को सक्सेस कर पाए, ठीक है। क्योंकि इन 100% मैक्सिमम आर फेल, आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा। हम लोग जब बायोफ्लॉक शुरू किए थे 3 साल पहले, तब का कुछ हाथ में गिना हुआ लोग ही रहेगा। तो मेरा बात है, मेरे को भी बायोफ्लॉक सक्सेस कराना है, आपको भी बायोफ्लॉक सक्सेस कराना है। मैं कर चुका, मेरा हो गया, मैं कर रहा हूँ, मेरा जैसे मैं फार्मिंग करा जाऊँगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपका बोरिया मतलब टैंक बांध के आपको फेंक देना पड़ेगा, आप नहीं कर पाएंगे। टेक इट सीरियसली, ये रॉकेट साइंस भी नहीं है और ये उतना भी ईजी नहीं है, ठीक है। एक तो टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरह ही लीजिए और एक तो फार्मिंग को फार्मिंग की तरह ही लीजिए, तो फिर आपका सब कुछ ठीक रहता है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो थैंक यू, आज के लिए वीडियो इधर ख़त्म करते हैं। जिन लोग अभी तक लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं उन लोग को तो बहुत धन्यवाद। और एक ही चीज़ बोलूँगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना बनता है ना, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए इसी तक रखते हैं, मुलाकात होगा दूसरा वीडियो में, धन्यवाद।